खबर 24 लाइव न्यूज। बड़ी खबर मड़ियाहूं तहसील की। बता दें मड़ियाहूं बाजार के दिलावरपुर गांव में तकरीबन 3 महीने से बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखी गई। बता दें वहां के लोगों का कहना है कि 3 महीने से लाइट इतना कम आता है कि मोबाइल भी चार्ज नहीं हो पाता, पर बिल 1000 से 1500 रुपये हर महीने आते हैं। उसको लेकर आज मड़ियाहूं के पावर हाउस पर तकरीबन सैकड़ों परिवार के लोगों ने जमकर किया विरोध। बता दें दिलावरपुर के सैकड़ों परिवार के लोगों का कहना है कि 2 से 3 दिन के अंदर में नहीं होती है कोई कार्रवाई तो सभी अपने घर का कनेक्शन कटाने के लिए होंगे मजबूर। बता दें इस मामले को लेकर जब SDO सौरभ कुमार तिवारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 2 से 3 दिन के अंदर में लाइट की व्यवस्था हो जाएगी दुरुस्त। मोबाइल चार्ज करने का लाइन के बगल टाइम टू टाइम आ रहा है, बट लाइन इतना कमजोर आ रहा है कि मोबाइल तक नहीं चार्ज हो पाए। अच्छा, वोल्टेज काफी कम है एकदम, बिल्कुल इंडिकेटर भी नहीं चल रहा। फैसला निकाला जाए या तो फिर लाइन कट कर दिया जाए, केबल काट लिया जाए हमारे यहाँ से। आप क्या कहना चाहेंगे भैया? वहाँ से बता, अगर लाइट ना दे पाओ तो हटा ले, हम लोग डिब्रिज जला लेंगे। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि लाइट आप लालटेन जला के काम करना चाहेंगे? हम लोग काम कर लेंगे। समस्या मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है तो क्या मतलब है उसका? अच्छा, एक फेज थ्री लाइन चल रही है, इतना ज्यादा सब लोग परेशान है, छोटे छोटे बच्चे गर्मी परेशान हो जा रहे हैं। ये बताइए, आपने कभी अधिकारी से कोई शिकायत की इसकी? हमने जी साहब हम लोग फोन किया, अभी कहना कि रुक जाइए, अभी हम लोग आ रहे हैं। तो कितने दिन से मामला चल रहा है सर? 3 महीने से। 3 महीने से मामला है? 3 महीने से लाइट नहीं मिली। तो आपने इसके पहले भी कभी कोई शिकायत की कि नहीं की? हम लोग फोन किए थे, शिकायत किए थे, लग जाएगा। अब कब लगेगा आप वही बता सकते हैं? तसल्ली दी जा रही थी। क्या चाहते हैं फिर अभी सर? यही हम चाहते हैं कि हमारी समस्या 1-2 दिन 3 दिन के अंदर में हो जाना चाहिए, अन्यथा नहीं हो पा रही है। हाँ। तो उस लाइन को कोई मतलब नहीं, आप लाइन कटवा दीजिए, हम पहले जैसे जी रहे थे, लगा अपने डिबरी जला के लालटेन जला के हम उसी ढंग से जी लेंगे सर। और इससे आगे आप क्या कर सकते हैं? बिजली का बिल आता है कि नहीं आता है आप लोग? बिल हमेशा टाइम टू टाइम आता है सर, अभी हर महीने जमा करते हैं, अभी जमा किए हैं, कल 2100 रुपया हर महीने जमा करते हैं, दूसरे तीसरे महीने आते रहता है बिल। बिजली का बिल आता है पर लाइट बराबर नहीं आती है, बराबर नहीं आता और वोल्टेज भी काफी डाउन रहता है, डाउन रहता है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा एक ही गुजारिश है विद्युत विभाग से, यह जो समस्याएं का हल नहीं निकाल रहे हैं तो वहाँ से जल्द केबल अपना तार खम्भे हटा लें। हम लोग जैसे 10 साल पहले जिंदगी जीते थे वैसे अभी जी। सर, दिलावरपुर वाले मामले में सर अभी क्या कार्रवाई की जा रही है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि 3 महीने से लाइट काफी कम आ रहा है, मोबाइल भी नहीं चार्ज हो पा रहा है, उस पर लोगों का कहना है कि दिलावरपुर मामले में देखिए, पहले हमारे पावर हाउस से वोल्टेज कम आ रही थी, जो अब बारिश होने के बाद वोल्टेज की समस्या दूर हो गई है। ठीक है, अब ये चीज देखा जा रहा है, लोकल फॉल्ट अगर कुछ है तो हमारे JEE और लाइन में लगे हुए हैं, उसको देख के और रेक्टिफाई करेंगे। तो सर क्या लगता है कितने दिन में इनके यहाँ लाइट की सुविधा जो है कितने दिन में सही हो जाएगी? लाइट की सुविधा इनकी बहुत जल्द से जल्द ठीक कर दी जाएगी। JEE साहब अभी मौके पे जा ही रहे हैं, ठीक है, आज शाम तक आप एक्सपेक्ट करिए, कल तक आप एक्सपेक्ट करिए कि इसको इसी तरह से रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लोग लगे थैंक यू वेरी मच।